हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जीनर एज ए शंट रेगुलेटर बताया था। चलिए मूव करते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट की साइड। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट जैसा इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द टाइप ऑफ डायोड रेक्टिफायर विच कैन प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। मतलब वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं या फिर वोल्टेज को हम मल्टीपल करते हैं मैनी टाइम्स एज कम्पेयर टू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और जो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी है वो यही है जो मैंने समझाई कि ये एक ऐसा डायोड रेक्टिफायर सर्किट है जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट पर वोल्टेज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट हमेशा इनपुट पर जो वोल्टेज होती है उसके मल्टीपल पर हमें देता है, और हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज को इंक्रीज करके हमें देता है। ठीक है, तो ये है आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पीक ऑफ द रेक्टिफाइड वोल्टेज बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलिए वोल्ट आगे की तरफ चलते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट दो पार्ट में डिवाइड है, पहला वोल्टेज डबलर, दूसरा वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रपलर। वोल्टेज डबलर अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ वेव वोल्टेज डबलर, सेकेंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। वन बाय वन देख लेते हैं क्या है वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। आप लोगों को समझ में आ गया क्या है वोल्टेज डबलर में हम क्या करते हैं। यहाँ पे हम दो डायोड और दो कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, डबलर मीन्स वी आर यूजिंग टू डायोड एंड टू कैपेसिटर इन अ वोल्टेज डबलर। ठीक है, अच्छा, जिस कारण इसका जो आउटपुट है वो हमें जो मिलता है वो प्लस ट्वाइस Vm करके इसका आउटपुट आता है वोल्टेज डबलर का। वो हम देखेंगे अभी कि ये कैसे आता है हमारा। ठीक है, बस हम ये कह सकते हैं कि जब 2 Vm आएगा इट मीन्स आउटपुट इज डबल देन द पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। वी कैन से दैट आउटपुट इज डबल देन द पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। किसके लिए? वोल्टेज डबलर वाले केस में। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज ट्रिपलर में हम क्या करते हैं, वोल्टेज ट्रिपलर में वी आर यूजिंग 3 डायोड एंड 3 कैपेसिटर। ऑलराइट, ठीक है, जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ट्रिपलर मीन्स 3 डायोड एंड 3 कैपेसिटर वी आर यूजिंग इन अ वोल्टेज ट्रिपलर। ओके, फॉर वोल्टेज क्वाड्रपलर जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है, क्वाड्रपलर के केस में हम यूज करेंगे 4 डायोड एंड 4 कैपेसिटर। ठीक है, इसमें हम 4 डायोड और 4 कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें वोल्टेज ट्रिपलर में जो है आउटपुट हमारा प्लस 3 Vm आता है। इसको हम कह सकते हैं कि आउटपुट इज ट्रिपल देन द पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज इस केस में, और वोल्टेज क्वाड्रपलर में जो आउटपुट आता है वो प्लस 4 Vm आता है। तो वी कैन से दैट आउटपुट इज 4 टाइम्स देन द पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ओके, सो ये रहा आपका वोल्टेज डबलर और वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रपलर के बारे में। अब वोल्टेज डबलर के जो क्लासिफिकेशन है उन्हें देख लेते हैं। वोल्टेज डबलर में हमारे पास है हाफ वेव वोल्टेज डबलर एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर में हम
ये कह सकते हैं कि आउटपुट टेकन अक्रॉस वन कैपेसिटर, आउटपुट जो हम लेते हैं इसमें एक कैपेसिटर के अक्रॉस लेते हैं, और फुल वेव वोल्टेज डबलर में आउटपुट टेकन अक्रॉस टू कैपेसिटर, यहाँ पे आउटपुट हम दो कैपेसिटर के अक्रॉस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा इसका क्लासिफिकेशन वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट का। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि वोल्टेज डबलर में हाफ वेव वोल्टेज डबलर और फुल वेव वोल्टेज डबलर की वर्किंग क्या है। तो हम फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए कि हाफ वेव वोल्टेज डबलर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाफ वेव वोल्टेज डबलर। तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर में, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है डबलर, वी आर यूजिंग टू कैपेसिटर C1 एंड C2 एंड टू डायोड्स D1 एंड D2। यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ली हुई है। दिस वन इज अवर प्राइमरी वाइंडिंग, दिस वन इज कोर एंड दिस वन इज अवर सेकेंडरी वाइंडिंग। इनपुट पर हमने अप्लाई करी है इनपुट वोल्टेज, आउटपुट पर हमने अप्लाई करी है Vout, जो हमें कैपेसिटर C2 के अक्रॉस मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट पर हम साइन वेव दे रहे हैं जिसकी पीक वैल्यू है प्लस Vm। इनपुट पर Vin है और x एक्सिस पर ओमेगा t है और y एक्सिस पर इनपुट वोल्टेज है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब जब हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं, उस टाइम जब ये पॉजिटिव है तो ये हमारे जो डायोड है D1 वो आपका फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा और D2 आपका रिवर्स बाइज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कनेक्ट है डायोड के पॉजिटिव से और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट है डायोड के नेगेटिव से। तो हम इसका जो अब जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, आपको बनाना है एग्जाम में। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को जैसे मैं समझा रही हूँ ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में बताना है। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जैसा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे डायोड्स जो हैं वो आइडियल हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज है, हमें पता है फॉरवर्ड वाइज में डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट कंडक्ट करेगा, और D2 हमारा रिवर्स वाइज हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट कंडक्ट नहीं करेगा। ये हमारा C1, ये हमारा C2 और इसी के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, दैट इज़ Vout। यहाँ पे हमने अप्लाई करा है Vin प्लस माइनस, इसमें हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इस तरह बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ये वाला आपको डायग्राम बनाना है और फिर लिखना है कि बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ माइनस Vm प्लस VC1 इक्वल टू जीरो, जिस कारण Vm हमारे पास आ जाएगा VC1, ठीक है। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तब हमें Vm मिलता है VC1, ठीक है। ये बात रही हमारी हाफ वोल्टेज डबलर की, और तब जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं, तब हम देखते हैं इस पर सर्किट पर क्या फर्क पड़ रहा है। इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं, सो कैपेसिटर C1 विल बी चार्ज्ड टू प्लस Vm ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इस इक्वेशन Vm को हम, मैं यहाँ लिख देती हूँ Vm इक्वल टू VC1, ये हमें मिला है पॉजिटिव हाफ साइकिल से। अब जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं यानी कि दिस, तब देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। अब इस टाइम क्या होगा हमारा, यहाँ पे जब हम नेगेटिव साइकिल देंगे तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये कह सकते हो कि ये नेगेटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो अब D1 हमारा जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा,
ठीक है, और D2 जो है आपका वो रिवर्स बायस में आ जाएगा। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं उस टाइम नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर ये नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये वाला डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये नेगेटिव डायोड के इस नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, रिवर्स बायस को हमने ओपन सर्किट शो कर दिया, फॉरवर्ड बायस को हमने शॉर्ट सर्किट शो कर दिया। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ वी कैन से दैट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी कैन से दैट प्लस वी एम माइनस वी सी टू प्लस वी एम इक्वल टू जीरो। ये वी एम जो है हमारा, ये वी सी वन है, मतलब जो पहले इक्वेशन थी वो हमारी कुछ इस तरह थी। ऐसे में दोबारा से लिख देती हूँ, वी सी वन माइनस वी सी टू प्लस वी एम इक्वल टू जीरो। वी सी वन है हमारा वी एम, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे ये वी सी वन को रिप्लेस कर दिया वी एम से, तो ये आ गया हमारा वी सी टू, यहाँ से वी सी वन आ गया यहाँ से ट्वाइस, ये वी सी टू है तो वी सी टू आ गया ट्वाइस ऑफ वी एम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर टू विल बी चार्ज टू वोल्टेज प्लस टू वी एम। तो ये शो कर रहा है कि हाफ वोल्टेज डबलर का आउटपुट किस तरह से ट्वाइस ऑफ पीक इनपुट वोल्टेज हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर। दिस इज द सर्किट ऑफ फुल वेव वोल्टेज डबलर। इसमें हमने इनपुट वोल्टेज यहाँ दिया है और दो डायोड यूज़ करें, D1 D2, दो कैपेसिटर यूज़ करें C1 C2, क्योंकि ये फुल वेव वोल्टेज डबलर है इसीलिए हमने दो डायोड्स और दो कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आपको जो मैंने हाफ वेव वोल्टेज डबलर करवाया था उसमें भी ये बात लिखनी है, और ये यहाँ पे भी लिखना है कि क्या कि C1 एंड C2 मस्ट बी डिस्चार्ज इनिशियली एंड एज्यूम दैट द डायोड्स आर आइडियल। मतलब C1 और C2 इनिशियली आपके डिस्चार्ज हैं, और ये जो डायोड्स हैं D1 और D2 ये आपके आइडियल हैं। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले जो हाफ वेव वोल्टेज डबलर कराया उसमें भी लिखना है, और फुल वेव वोल्टेज डबलर में भी लिखना है कि शुरू में कैपेसिटर्स आपके डिस्चार्ज हैं इनिशियली और डायोड्स आपके आइडियल हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। हम कब बात कर रहे हैं, जब हम इनपुट पर ये वाली साइकिल दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, उस टाइम क्या हो रहा है, D1 डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, तो पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो डायोड हमारा रिप्लेस हो जाएगा। मैं इसी में चेंजेस कर देती हूँ, आपको ये सर्किट अलग से बनाना है। तो D1 हमारा रिप्लेस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस से इस तरह, और यहाँ पे इसी से ये पॉजिटिव कनेक्ट है D2 से नेगेटिव से, तो D2 हमारा रिप्लेस हो जाएगा ओपन सर्किट से इस तरह। ठीक है, तो अब नाउ बाय अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी कैन से दैट इस तरह से प्लस वी एम, यहाँ से हमारा जा रहा है इस तरह करंट, प्लस वी एम माइनस वी सी वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें वी एम मिल जाएगा इक्वल टू वी सी वन, ये हमारी आ गई इक्वेशन वन फॉर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ऑल राइट, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं यहाँ पे, इट मीन्स हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं, तब हमारी ये साइन चेंज, एक डायग्राम आपको वो बनाना था, एक ये बनाना है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल को आपको थर्ड डायग्राम बनाने, मतलब इसमें तीन डायग्राम बनाने। थर्ड डायग्राम में क्या चेंज करना है आप लोगों को मैं इसमें ही बता रही हूँ। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो सबसे पहले ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
और नेगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे डायोड हमारा कुछ इस तरह से कनेक्ट था। वापस मैं लगा देती हूँ, पहले ये ऐसे कनेक्ट था और ये वाला ऐसे कनेक्ट था। तो नाउ नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला डायोड डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो इसको हम ओपन कर देंगे। और ये नेगेटिव डायोड के इस नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये D2 हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इस बार ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ये आपको थर्ड डायग्राम बनाना है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। फुल वेव वोल्टेज डबलर में फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट हमने साइन रिवर्स कर दिए, तो D1 हमारा ओपन सर्किट हो गया, D2 हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। उस टाइम कैपेसिटर C2 विल चार्ज थ्रू D2 डायोड D2 टू पीक वोल्टेज प्लस VM, ठीक है। मतलब कैपेसिटर C2 उस टाइम डायोड D2 के थ्रू पीक वोल्टेज प्लस VM तक चार्ज हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगी इस वे में, माइनस VM प्लस VC2 इक्वल टू जीरो, जिसे हम लिख सकते हैं VC2 इक्वल टू प्लस VM, ठीक है। अच्छा, इफ Vout इज टेकन अक्रॉस C1 एंड C2, ये अगर हम Vout C1 और C2 के अक्रॉस ले रहे हैं, देन Vout होगा हमारा प्लस VM, अगेन प्लस VM, दोनों को ऐड कर दिया तो Vout हो जाएगा हमारा प्लस ट्वाइस ऑफ VM। मीन्स इट मीन्स आउटपुट इज, वी कैन से दैट आउटपुट इज डबल देन दैट ऑफ द पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट इज डबल देन द पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। हैंस प्रूव्ड कि आउटपुट हमारा फुल वे वोल्टेज डबलर में ट्वाइस हो गया, प्लस 2 VM हो गया पीक ऑफ द इनपुट वोल्टेज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये तो आपको जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से करना है। मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। हाफ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, हाफ वेव डबलर की भी और फुल वेव डबलर की भी एक डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है। उसी में मैंने चेंजेस करके दिखा दिए हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सबके अलग अलग डायग्राम बनाने हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल पर डायोड्स कौन सा फॉरवर्ड वाइज हो रहा है, कौन सा रिवर्स वाइज हो रहा है, उसे रिप्लेस करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो चेंजेस हो रहे हैं उस तरह अकॉर्डिंगली हम रिप्लेस करेंगे, और आउटपुट पर जो रिजल्ट आ रहा है वो वैसे बताएंगे। ऑलराइट, अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं, मैं वहाँ से पढ़ के आप लोगों को जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लूँगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, ये है कि इसमें बस ये फोकस रखें कि कब डायोड्स हमारा फॉरवर्ड बायस हो रहा है और कब रिवर्स बायस हो रहा है। ऑलराइट, इसमें फ़िलहाल की क्लास में तो सब कुछ अभी तक मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्पेशल पर्पस डायोड। उसमें हम पढ़ेंगे लाइक टनल डायोड, वेक्टर डायोड, LED, फोटो डायोड, LCD, ये सब। वो भी आपका ये कह लो वो पूरा थियोरेटिकल है। जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपके बनते हैं क्लिपर्स में से, क्लैम्पर्स में से, ज़ीनर डायोड में से, और फिर बाकी जो यूनिट्स आगे आएंगी उनमें से बनेंगे। बेसिकली इनमें से तो इन्हीं पार्ट से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट ईयर है तो आप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।